हेलो गाइस, हम लोग यहाँ बाहर घूमने आए क्रिसमस सेलिब्रेट करने, तो सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, हम जहाँ आए यहाँ पहले चर्च गए थे, उसके बाद हम आए हैं मूवी देखने। तो मेरे हस्बैंड इधर टिकट ले रहे हैं, तो चलिए हम आपको कुछ इधर का नज़ारा दिखा देते हैं बाहर से। ये बच्चों को खेलने वाला, छोटे छोटे बच्चों को खेलने वाला है। और चलिए ये बाहर से आपको यहाँ इधर का पूरा ऊपर दिखा देते हैं, अपर फ्लोर पे मूवी का देखने वाला है। जब तक खड़े थे बच्चे घूमे, बहुत क्यूट सी लग रही थी। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं मॉल के अंदर। तो यहाँ पे भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, जो बहुत ही अच्छे ढंग से डेकोरेट किया हुआ था। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। देखिए, लोग ऊपर से भी देख रहे थे इसको, बहुत ही प्यारा लग रहा था। एकदम फील हो रहा था कि हाँ, बर्फ़ वाले इलाके में। नीचे से कॉटन को ऐसे सजा रखा था, जो एकदम लग रहा था कि बर्फ़ वाले इलाके में आ रखे। पूरा किनारे किनारे भी ये कर रखा था, जो मैं अच्छे से रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, बट जितना उसे उतना ले पाई हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये सोचा कि पहले चारों तरफ दिखा देते हैं मॉल का सीन भी आपको। लोग खड़े हो के मूवी, मतलब इसका फोटो ले रहे थे, जो कि बहुत अच्छा ही लग रहा था, प्यारा सा क्यूट सा लग रहा था। फिर हम लोग ऊपर गए, तो सोचा वहाँ से भी कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं नीचे का नज़ारा। देखिए, देखिए यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। अंदर दुकान सब में भी सेलिब्रेट किया गया था। तो आप लोग बताइए कैसा। फिर हम लोग थोड़ा अंदर चले वहाँ से देख के, तो मेरे हस्बैंड बोले कुछ नहीं बहुत सारा कंगन। तो कैसा लग रहा है? देखो, साइज छोटा है, साइज बड़ा है इसमें, साइज बड़ा वो कंगन तो बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन उसका साइज छोटा था तो मैं नहीं ले पाई, और बहुत महंगा था। फिर हम लोग दूसरा कुछ लेते हैं। फिर हम लोग गए कुछ कपड़ा लेने के लिए, तो उसे लेते हैं लेकिन पसंद नहीं आया। फिर बाद में वो दूसरे शॉप से जाके लिए थे दिया स्वेटर्स। ये देखिए, यहाँ से भी आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। रिकॉर्डिंग। फिर हमने सोचा कुछ फ़ोटो शूटिंग कर लेते हैं, मिरर में देख के लोग फ़ोटो शूट करे थे। उसके बाद होता मूवी में टाइम था, तो हमने सोचे कुछ चलते हैं खाने। तो हम लोग गए थे वहाँ एक स्वीट्स रेस्टोरेंट में, जहाँ वहाँ का मतलब फेमस रेस्टोरेंट है स्वीट्स के मामले में। तो हम लोग गए थे कुछ खाने के लिए, गाजर का हलवा मंगाए थे जो कि हमें बहुत पसंद है। फिर रसगुल्ले मंगाए थे, और फिर अपने लिए हम चाट मंगाए थे। देखिए गाइस, खाने का तो मन कर रहा हुआ, सो यम्मी था। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आप लोग को भी खाने का मन कर रहा होगा, देख कितना लाजवाब। तो हमने सोचे खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा खाए, खाने में थोड़ा टाइम लगा, फिर भी मूवी का टाइम था तो हम आ गए फिर मूवी देखने। तो लोग बैठ के वेट कर रहे थे, तो सोचा कुछ रिकॉर्ड करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये दूसरे पैसे बाहर से लोग अभी वेट कर रहे हैं मूवी देखने के लिए, सब मूवी का वेट कर रहे हैं, मूवी देखने का इंतजार कर रहे हैं। मूवी थोड़ा लेट नाइट से था, तो उसे देख के चलते हैं। फिर हम लोग मूवी का तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन अंदर से फोटो लेकर सोचे आप लोगों को शेयर करते हैं। हेलो गाइस, मैं फाइनली घूम के हम लोग क्रिसमस मना के बाहर से आ चुके हैं, साथ में मूवी भी देख के। तो सॉरी, मूवी का कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, लेकिन देख के आई हूँ। पति पत्नी और वो हम और मेरे हस्बैंड गए थे साथ में। चलिए बताते हैं कि कैसा था मूवी। तो मूवी इंटरमिशन से पहले बहुत फनी था, बहुत इंटरटेनिंग था, लेकिन इंटरमिशन के बाद थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा सैड मोशन कर दिया। लेकिन फाइनली लास्ट में उन लोग मिल जाते हैं, तो अच्छा लगा बहुत मूवी। और अगर आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं, वन टाइम देखने लायक मूवी है। फाइनली मूवी का स्टोरी ये था कि मतलब इसमें होता कि हीरो को मतलब अपनी वाइफ से मतलब अट्रैक्शन, प्यार उतना नहीं मिल पाता, तो वो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो कि गलत है। तो फाइनली मूवी में ये दिखाया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कॉम्प्लीमेंट अगर किसी स्पेशल पर्सन के लिए, तो उसी के लिए बचा कर रखना चाहिए। चलिए आगे मैं क्या बताऊँ, आप खुद देख लीजिएगा। हम लोग गए थे ऐसे क्रिसमस सेलिब्रेट करने, ऐसे हम लोग सबसे पहले चर्च गए थे। तो वहाँ ब्रेक का टाइम हो गया था, तो चर्च उस टाइम बंद था, और तब हम सोचे कि चलते हैं मूवी देख के आते हैं, आने टाइम में जाएंगे। मूवी का टाइमिंग लेट से था, तो हम लोग आने में रात हो गया, और ठंडा का दिन है तो बहुत ठंडा लग रही थी आने में।
तो वो नहीं जा पाए। ऐसे मैंने रूम पे क्रिसमस सेलिब्रेट किया था अपने हस्बैंड के साथ। चलिए दिखाते हैं छोटू से मेरा क्रिसमस ट्री। बताइए आप लोगों को कैसा लगा। मैंने ये छोटा सा ऐसे क्रिसमस ट्री लेके इसको सजाया था लाइटिंग के साथ और गिफ्ट्स कैंडल। आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो कि मैंने कहाँ कहाँ हम लोग गए थे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरा गेटअप भी बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। चलिए अभी तक के लिए बाय बाय, टाटा गाइस, गुड नाइट एंड अगेन मैरी क्रिसमस।